एक बेटे के सिर से उसके पिता का हाथ उठ गया। जी हाँ, एक बेटे के सिर से उसके पिता का साया उठ गया। ये कहीं और की बात नहीं है, हिसार की है, जहाँ पर उसका पिता सिर्फ अपना काम कर रहा था, मेहनत मजदूरी कर रहा था, लेकिन ठेकेदार की गलती की वजह से या फिर उसके सेफ्टी इक्विपमेंट ना होने की वजह से उसकी जान चली जाती है। जी हाँ, ये बेटा इस वक्त हमारे साथ है, आके आप लोग देख सकते हैं। नम है, मुझे ये बताइए कि क्या हुआ था उनके साथ? काम कर रहे थे ऊपर। किस चीज़ का काम कर रहे थे? आपको बता देते हैं, इनके पिता जो है मेहनत मजदूरी का काम करते थे, और किसी बिल्डिंग का जो है कंस्ट्रक्शन चल रहा था, वहाँ पर उसकी जो है कंस्ट्रक्शन करने के लिए ऊपर चढ़े हुए थे। लेकिन जब ऊपर चढ़े हुए थे तो वहाँ पर उसके पास ना तो कोई सेफ्टी इक्विपमेंट था, ना सिर पे हेलमेट था, और ना ही जो है कोई तार बंधी हुई थी, जिसकी वजह से अगर वो नीचे गिर जाता इतनी ऊँचाई से तो शायद वो बच जाता। लेकिन अचानक से क्या होता है ऐसा जिसकी वजह से वो नीचे गिर गया? मुझे बताइए, हुआ क्या था उस दिन जिस वजह से वो ऊपर से नीचे गिर गया? असल में जो घटना घटी है ना, एक ये घटना तो दिख रही है अभी सोशल मीडिया के माध्यम से भी, अखबार में भी आ जाएगी कि दुर्घटना घटी, मजदूर की मौत होगी जी। लेकिन कुछ ऐसी भी मौतें हैं जिनका जिक्र तक नहीं होता है और वो तिल तिल करके मर रहे हैं। हरियाणा में एक बोर्ड बना हुआ है, बोर्ड के तहत कानून बना हुआ है, उस कानून में साफ साफ लिखा हुआ है कि जहाँ मजदूर काम करते हैं निर्माण स्थल पे, वहाँ पानी का जो पीने का भी पानी है वो भी चेक होगा, बाकायदा टेस्ट होगा कि वो पानी पीने लायक है कि नहीं है। आप देखोगे ये 35 साल का है, लग रहा है किसी से 60 साल का है। ये सुरक्षा की वजह से ही हो रहा है सब, कि कोई चेकिंग नहीं हो रही उनको पानी पीने का ठीक ढंग से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। वहाँ पर टॉयलेट है, कोई शौचालय है, नहीं है, वहाँ पर तार नंगी तो नहीं है, करंट लग मैं कहता हूँ पूरे हरियाणा में 22 लाख लोग काम करते हैं निर्माण कर्मी, और रोज डेली किसी न किसी जिले में रोज दुर्घटनाएं घटती कहीं करंट। मुझे लगता है मजदूरों को तो इंसान ही नहीं माना जाता, इससे बेहतर तो कीड़े मकोड़ों की जिंदगी है, जिनके ऊपर कम से कम हम पैर रखने से पहले सोचते तो है कि कहीं इसके ऊपर हमारा पैर ना आ जाए, हमें जो है अधर्म का शिकार हो जाएंगे। लेकिन मजदूर एक ऐसा वर्ग बन चुका है आज के जमाने के अंदर जिसके बारे में ना तो कोई सोचता है, और उनसे सिर्फ काम लिया जाता है उसके उनकी जिंदगी के बारे में, कि अगर वो सही से काम कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, जी रहे हैं, मर रहे हैं, क्या कोई सोचता है उनके बारे में? बिल्कुल साक्षी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ मजदूर के बारे में कोई नहीं सोच रहा, और जिनकी जिम्मेवारी है वो भी नहीं सोच रहे बिल्कुल। देखो ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है, सरकार ने डिपार्टमेंट बना रखा है, डिपार्टमेंट की भी जिम्मेवारी बनती है। मैं ये कह रहा हूँ कि 22 लाख लोग काम करते हैं हरियाणा के अंदर, और 22 लाख लोगों का आज टेस्ट करवा लो, किसी के टीबी की बीमारी मिलेगी, किसी के सांस की बीमारी मिलेगी, और हाथों में तो एलर्जी 100% किसी भी मिस्त्री के मजदूर के चेक कर लो, एलर्जी पक्का मिलेगी। सीमेंट में क्या क्या केमिकल डल रहे हैं, कोई चेकिंग करने वाला नहीं है, किस प्रकार से केमिकल डाले जा रहे हैं जो मजदूरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मतलब अब देख लिए, ये क्या है, ये इसी को बोलते हैं तिल तिल करके मरना। मजदूर आज तिल तिल करके मर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। मजदूर की मृत्यु हो चुकी है, वो लगभग कितनी ऊंचाई से नीचे गिरा है? वो 4 मंजिल बिल्डिंग बन रही थी, 1 मंजिल का प्लास्टर उसने कर दिया था, 3 मंजिल का रह गया, तो लगभग 30-32 फुट की ऊंचाई पे काम कर रहा था। और ये कानून जो बना रखा है लेबर डिपार्टमेंट ने, उस कानून में साफ शब्दों में लिख रखा है कि जो 5 फुट से ऊपर की हाइट पे कोई भी काम करेगा तो वह कहता उसके पीछे जाल लगा हुआ मिलेगा, सेफ्टी बेल्ट लगी हुई मिलेगी, और वो तो 30-32 फुट की ऊंचाई पे था, और ये हादसा रोका जा सकता था बिल्कुल, और ऐसे हादसे आने वाले टाइम में हरियाणा में रोके जा सकते हैं। हादसे तो ऐसे होते हैं जिसके अंदर ना जाने कितने मजदूरों की मौत हो जाती है, लेकिन उनका आंकड़ा ही नहीं आता, उनका जिक्र ही नहीं किया जाता। क्या आप भी उनके साथ ही काम कर रहे थे? नहीं जी, मैं दूसरे साइड पे था। अच्छा, मुझे ये बताइए कि क्या आपने क्या देखा, क्या हुआ था? हम तो जी उसका तो एक्सरे कर रहे थे ना, उस टाइम के हॉस्पिटल में पहुंचे थे जी हम तो। कहाँ का था वो? वे सूर्यनगर गली नंबर 14 का रहने वाले हैं, वैसे आगे कहते राजस्थान के रहने वाले हैं जी। क्या शादीशुदा था? हाँ जी। कितने बच्चे थे? 3 बच्चे हैं जी उनके। 3 बच्चे हैं उनके, शादीशुदा था, 3 बच्चे। मुझे बताइए एक मजदूर की जिंदगी के बारे में क्या कहना चाहेंगे जिसके बारे में कोई भी नहीं सोचता? मजदूर की तो जिंदगी नहीं है जी हमारी, तो हमारी क्या जिंदगी है, हमारी कोई जिंदगी नहीं है हमारी, क्योंकि जानते नहीं है लोग, मजदूर है तो चले जाएगा तो कुछ रोपीट के से कुछ, और होगा क्या, यही है जी। और आप जहाँ पर काम करते क्या लोग आपसे इज्जत से बात करते हैं? कोई तो करता है और कोई नहीं करता जी, जो समझदार होगा वो तो इज्जत से बात करेगा, जो नहीं समझदार होगा वो अरे तरह ही बात करेगा जी, कोई नहीं करता इज्जत से बात। और जी पानी तक नहीं मिलता जी कोठियों में, पानी तक नहीं मिलता। कितने घंटे के अंदर आपको पानी मिलता होगा पीने के लिए? पानी तक देते नहीं है, टंकी का देते हैं ऊपर से।
गर्म पानी। हाँ, और पानी भी मेरे ख्याल से साफ नहीं होता होगा। पानी वो तो साफ नहीं, कहाँ से मिलेगा जी साफ। अच्छा। गंदा होता है पानी टंकी का, तो वहाँ से भर के दे देते हैं लोग। किस तरीके की बीमारियाँ लगती हैं? बीमारी कई बीमारी लगती है जी। तो आप लोग देख सकते हैं कि मजदूरों की जिंदगी किस तरीके की हो चुकी है। अगर श्रम मंत्री की बात की जाए, हमारे हिसार से ही श्रम मंत्री आते हैं, तो वो क्या आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं? कुछ नहीं करते जी हमारे लिए। क्या करते हैं? कभी आपके बीच में आए हैं? ना, कभी नहीं आए जी। हर कोई विधायक मंत्री को दोषी ठहराता है, तो लेकिन क्या कोई श्रम मंत्री को दोषी ठहराता है जिनका खुद का विभाग ऐसा है, जिनके बारे में इतनी सारी चर्चाएं होती हैं? हालांकि ऐसे मजदूर होते हैं जिनके पास ना तो सेफ्टी इक्विपमेंट है और ना ही जो है उनकी ज़िंदगी को कोई ज़िंदगी समझता है। न जाने कितने मजदूर जो है अपनी जान जोखिम के अंदर डाल करके किसी के लिए काम करते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी के बारे में कभी कोई नहीं सोचता। क्या श्रम मंत्री जानते हैं आप लोग कौन है? ना जी, नहीं जानते। कौन जानते हैं? क्या श्रम मंत्री जानते हैं कौन है? श्रम मंत्री जानते कौन है? इलेक्शन के अंदर जब आएंगे वोट लेने के लिए 6 महीने बाद, तो मुझे लगता है कि सबको पता लगेगा श्रम मंत्री कौन है, क्योंकि कहने को उनको विभाग दे दिया गया है, लेकिन मुझे नहीं लगता आज तक उन्होंने विभाग के लिए कुछ भी किया होगा। ये वो मजदूर है उनके विभाग के जो तिल तिल करके अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं, तिल तिल करके अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं। ना जाने इनको ये भी नहीं पता होता कि सुबह घर से निकलेंगे, काम पे जाएंगे, रात को घर वापस जो है सुरक्षित लौट पाएंगे या नहीं लौट पाएंगे। क्या सुबह मन के अंदर डर होता है कि शाम को अपने बीवी बच्चों से मिल पाएंगे? तो तैयार डर तो जगह ये होता है, अभी पता नहीं शाम को कैसे घर पहुँचेंगे कैसे नहीं पहुँचेंगे। मुझे बताइए, 2 दिन पहले ही आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आवाज उठाई थी, आश्रम विभाग के लिए आपने घोटाले उजागर किए थे, क्या कहना चाहेंगे? आपकी आंखों के सामने आज एक मजदूर की जान चली गई। देखो, हमारे सामने तो जब से हम यूनियन में आए तब से इस हिसार के अंदर जितनी भी साइडों से पड़ के गिर के मजदूर मरे हैं, तमाम मजदूरों में से किसी एक मजदूर का रजिस्ट्रेशन नहीं पाया है, जो हमारी लंबे समय से मांग है रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जिस बिल्डिंगें शहर के अंदर बनाई जा रही हैं उन बिल्डिंगों का सेस कटता है, 1% सेस कट जमा होता है इस बोर्ड में, और जो उस बिल्डिंग का सेस कटता है तो उस बिल्डिंग में काम करने वाले मजदूर का रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। और कानून में ये भी है कि जितनी हाइट की बिल्डिंग बन रही है, यहाँ का लेबर डिपार्टमेंट उस साइड पर जाके उस काम का वेरिफिकेशन करेगा, कौन आदमी कितने आदमी काम पर लग रहे हैं और उसका सेफ्टी का उपकरण है कि नहीं है। उस साइट का ठेकेदार क्या कहता है? साइट का ठेकेदार को छोड़ दो आप, लेबर डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी है जिसका सेस कट गया उस बिल्डिंग का वेरिफिकेशन करना, जांच करना। अगर सेफ्टी में काम नहीं करना है तो उस ठेकेदार का कोई भी कॉन्ट्रेक्टर है चाहे मालिक है काम करवा रहा है, उसका जुर्माना बनता है, वो जुर्माना लगाएगा। मालिक क्या कह रहा है? मालिक क्या कहेगा? मालिक तो आने के लिए तैयार नहीं है, मुआवजा देने के लिए तैयार नहीं है, अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है। जबकि मैं कह रहा हूँ कि सरकारी हिसाब से जो नियम है उसके तहत ये लिखा हुआ है कि बिल्डिंग का ओनर जो है वो जिम्मेवार है पूरी तरीके से, ये जो हादसा हुआ है इसका भी जो जिम्मेवार है वो ओनर है, क्योंकि वो सेफ्टी के उपकरण अगर इस्तेमाल किए हुए थे तो ये हादसा नहीं होता। बिल्कुल हम ये कहना चाहते हैं कि मालिक इसमें जिम्मेवार है, मालिक के साथ साथ जिला प्रशासन भी जिम्मेवार है, जिला प्रशासन के साथ साथ लेबर डिपार्टमेंट के जो अधिकारी है जो एसी कमरे में बैठ के लाख लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं वो पूरी तरीके से इसके जिम्मेवार हैं। वो साइडों पे जाके नहीं संभाल रहे हैं मजदूर, किस हालत में काम कर रहे हैं, किस परेशानी में काम कर रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं, या मालिक की तरफ से उनको वो चीज़ें उपलब्ध करवाई भी जा रही है कि नहीं करवाई जा रही है, जो कानून के दायरे में आती है, कानून की किताब में लिखी हुई है। मतलब जंगल राज हो रहा है जी, कोई नहीं पूछने वाला, और मजदूरों की तो बिल्कुल भी नहीं कोई पूछने वाला। ना तो बड़ी लापरवाही जो है इस वक्त सामने आई है। आपको बता देते हैं, एक जगह कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, वहां पर लगभग 3-4 मंजिल ऊपर से जो है एक मजदूर की गिर करके मौत हो जाती है, क्योंकि कोई भी सेफ्टी उपकरण वहां पर नहीं होता है, और ना ही कोई इसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं, ना तो जो है साइट का मालिक उसकी जिम्मेदारी ले रहा है, जबकि बाकायदा उनके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हो गया है कि जब वहां पर अगर कुछ भी लापरवाही होती है या कुछ भी ऐसी सिचुएशन बन जाती है तो उसकी जिम्मेदार जो है सीधा सीधा मालिक होगा। लेकिन मजदूरों की जिंदगी जो है आज के जमाने के अंदर ऐसी हो चुकी है कि ना तो वो जी सकते हैं ढंग से और ना ही वो मर सकते हैं ढंग से। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, और आज के ज़माने के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है मजदूर वर्ग को ऊपर उठाने की, जिसके बारे में आजकल कोई भी नहीं सोच रहा है। खैर, वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट हिसार से। नमस्कार।